हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, ये सुबह का समय है और अभी बस मेरा काम है थोड़ा बहुत फूल वगैरह तोड़ लेना। उसके बाद फिर फूल तोड़ ओड़ के फिर जाएंगे अपना घर का किचन का काम देखेंगे। तो लंच वंच बनाएंगे रुद्रांश के लिए और उसके बाद चाय नाश्ता बनाएंगे सबके लिए। रुद्रांश की बस आ जाती है 7:15 बजे तक आ जाती है। तो बस घर के अपना घर में ही जो बहुत थोड़े बहुत पौधे मैंने लगाए हैं उसी में कभी 2, 4, 8, 10 ऐसे ही फूल मिल जाते हैं तो वही हम अपना भगवान जी को चढ़ाने के लिए तोड़ लेते हैं। बाकी बाहर कहीं नहीं आते हैं क्योंकि सुबह सुबह बहुत ज़्यादा ठंड अब लगने लगी है और टाइम भी नहीं मिलता कि बाहर जाके 1 घंटा फूल तोड़ो। तो ये इतना सा मुझे मिल गया है, इतने मेरा काम चल जाएगा। फ्री में ले जाओ, फ्री में भाभी, फ्री में ले जाओ, पेड़ फ्री में ले जाओ। एक गमला ये बताओ टूट गया था, सोचे मतलब इसको निकाल के लगा दे। अब एक ही गमले में कम से कम, हाँ लेकिन ये सुंदर लगता है देखने में, इसलिए फेंक तो कर दे, फेंक दे इसको उठा। लगा आई फैलता बहुत है, एक पेड़ लगा दो तो फैलता भी बहुत है, जड़ बहुत होती है ना, जड़ इसके अंदर बहुत है। इतना सारा हो गया है, पूछो ना कितना लगाए। 2-3 गम तो सब मिला देते हैं यार, अभी बात अलग अलग लगते हैं। एक पेड़ लाए थे, सिर्फ एक पेड़ लगाए थे, एक पेड़ से इतना सारा हो गया। ओके, कितने साल लगे? 6 साल। मिट्टी निकाला, एक ऊपर से साफ नहीं निकली, पूरा अंदर निकल गया है। ऐसे कुछ लपेटे वाला लगा दे मां, बोल दो बीज। मिट्टी थोड़ा सा निकाल के मर रोज के और डालो तो उनके पल्ले इन्हें की जड़ ज्यादा इकट्ठे नहीं, दो दो तीन तीन पेड़ ढेर भी बहुत हो जाएगा, इतना ही इकट्ठे नहीं आएगा, इसमें थोड़ा कम करो और बहुत बहुत हो जाएगा। फेंकना पड़ेगा, देखेंगे कोई मिलेगा दे देंगे। इतना ही यार, कम से कम 5-6 पेड़ निकालो पतले पतले। कहाँ पे जो तो जो पिंक कलर का फ्लावर खिलता है, पिंक कलर का फ्लावर है। देखो पिंक कलर का, इसमें से तोड़े थे आज 1, 2, 3, 4 इसमें 5 कल ही है खिलेगी। अब तो यहाँ पे हम डब्बा साफ कर रहे हैं अपना, जिसमें इधर उधर की जो मतलब रोज डेली वाला सामान होता है वही इसमें मैं रख देती हूँ। ये ढक्कन बंद करके आराम से मुझे मिल जाता है जो छोटे छोटे सामान होते हैं, जैसे क्लिप हो गई, चिमटी, ये सेफ्टी पिन, रबर और छोटे मोटे जैसे ये सब, मतलब जो कभी भी ज़रूरत पड़ सकता है तो बस तुरंत निकालो, तुरंत यूज कर लो। चूड़ी में थोड़ा इधर उधर सब बिखरा था तो मैं सेट में लगा रही थी, बाकी जो फालतू है उसे निकाल दूँगी और ये सब सब रख दूँगी। तो यही खाली समय में यही काम होता है मेरा, सब अच्छे से साफ सफाई करना और अच्छे से ढंग से सब रखना। तो अभी शाम का समय हो गया है, आए हैं हम किचन में, चाय बनाए हैं और थोड़ी सी मैगी बनाए हैं बच्चों के लिए। आज रुद्रांश की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी तो कुछ खाया नहीं, तो मैंने सोचा थोड़ी सी मैगी बना दूँ, हो सकता है खा ले। एक तो त्यौहार नज़दीक है, ऊपर से जब बच्चों की तबीयत ठीक नहीं रहती और खुद भी मतलब क्या बताएं, आप मेरी शक्ल देख के पता चल रहा होगा कि मैं भी बहुत ज़्यादा स्वस्थ नहीं हूँ, लेकिन फिर भी करना पड़ता है। आज पूरा किचन की मुझे सफाई करनी है, रात में करेंगे, अब जो भी होगा खाना पीना बना के रात में ही करेंगे सफाई।
अभी तो शाम हो गई है, अब थोड़ा सा दिया बाती का समय हो गया, दिया बाती करके फिर उसके बाद खाना पीना बनाना स्टार्ट करेंगे। और ये जो दिवाली आती है ना, तो मुझे बहुत सारी पुरानी बातें याद आ जाती हैं, तो मन बहुत दुखी हो जाता है। लो इनकी तबीयत थोड़ी थोड़ी डाउन है आज। अब बैठ के आपसे बताएं, ये जो दिवाली आती है ना, ये बहुत सारी पुरानी चीज़ें याद दिला देती हैं, बहुत मतलब बहुत ही ज़्यादा, और मन दुखी हो जाता है। तो काफ़ी सारे लोग सोचते वो भी होंगे कि मतलब मैं अपने मतलब ससुराल क्यों नहीं जाती हूँ, और मैं जब भी जाती हूँ सिर्फ मायके ही जाती हूँ। तो उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है, अब वो सब याद करके आंसू नहीं बहाना है, बहुत सारा मतलब बहुत जितना हम झेले हैं ना, शायद ही हमारे परिवार में कोई झेला होगा। और हम तो मान लो मेरे सर पे तो मेरे माँ बाप का हाथ था, तो चलो ठीक है, जो हुआ जैसा हुआ उन्होंने थाम लिया। लेकिन मैं अपने हस्बैंड के बारे में सोचती हूँ कि उनके तो सर पे उनके माँ बाप का हाथ भी नहीं है, उन्होंने कितना झेला कितना किया वो बताने लायक नहीं है, वो बताते भी नहीं हैं। लेकिन कहते ना कि चेहरा देख के इंसान समझ जाता है कि हाँ क्या है कैसे है, बहुत सारी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं और बस ऐसे झेलना पड़ता है, बस भगवान की कृपा है। और थोड़ा बहुत तो माँ बाप, उधर से लाइट आ रही है, तो थोड़ा एक तो ढंग से कहीं बैठने का वो ही नहीं होता है, ये कबर सब धूले थे, इसको सब लगाना है। और मैंने सोफ़ा कबर बेड का तकिए का सब पर्दे वर्दे सब धुल दिए थे, तो धीरे धीरे सब ऐसे ही काम चल रहा है। और क्या बताएं आपसे, बताने को तो बहुत कुछ मन करता है बताने का, लेकिन बस थोड़ा सोचते हैं आगे पीछे कि वीडियो कहाँ तक जाएगी, कौन कौन देखेगा, और फिर पुरानी बातें याद करके फिर अपना मन दुखी करना, दूसरों को फिर टेंशन देना, हम नहीं चाहते, इसलिए कभी कुछ नहीं बताते हैं। बस ये समझ लो कि ससुराल ऐसा ससुराल किसी को ना मिले, और कुछ नहीं। और सब सोचते मतलब मेरी भी ख्वाहिश होती है ना कि जना कोई भी त्यौहार हो अपने अपनों के साथ मिल के मनाया जाए। और बहुत बहुत बुरे समय मैंने देखे हैं, बहुत ही ज़्यादा, और कितना दर्द कितना तकलीफ से हम लोग गुजरे हैं इसी सब वजह से। मुझे माइग्रेन की भी बीमारी हुई, डिप्रेशन की बीमारी हुई, सर दर्द इतना होता था कि उसका भी मैं बता नहीं सकती। जब वो आया था, कोरोना आया था, तो कोरोना में जान लो हम चारों लोग इतने मतलब बीमार थे, गोदी में था रुद्रांश, एकदम छोटा सा था, गोदी में था मेरे, कोई नहीं था देखने वाला, सबकी तबीयत इतनी ख़राब थी कि कोई उठ के एक गिलास पानी भी किसी को नहीं दे सकता था। और मेरी तो इतनी ज़्यादा हालत ख़राब थी कि अगर एक दिन भी लेट हुआ होता, 24 घंटे भी अगर लेट हुआ होता, तो फिर बचना मुश्किल था। कब कैसे हम पहुँचे प्रतापगढ़, कैसे कौन लेके गया, मुझे तो जान लो कुछ याद ही नहीं था। और भगवान के बाद मेरे जो भगवान हैं मेरे माँ बाप ही हैं, अगर वो ना होते ना तो शायद ये ज़िंदगी भी ना होती। लेकिन कहते हैं ना, जीना होता है तो किसी न किसी को भगवान अपना रूप में भेज ही देते हैं। और जब बुरा समय आता है तो कोई नहीं साथ देता है, ये कहावत सच है, सच ही है। क्योंकि जब जो झेला रहता है ना, उसे पता रहता है कि हाँ क्या है कैसे है। कभी ऐसा ऐसा समय आया था ना कि घर में अगर जीरा ख़त्म हो जाए तो फिर जीरे के लिए कितने कितने दिन महीनों इंतज़ार करना पड़ता था। आज जो है जैसा है सब भगवान की कृपा है, माँ बाप का आशीर्वाद है मेरे कि सब चल रहा है, ज़िंदगी जैसी चल रही है वैसी चल रही है, आप लोगों के सामने है।
और मैं डेली ब्लॉगिंग नहीं करती हूँ क्योंकि तबीयत से मैं मजबूर हूँ और मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या दिखाऊँ क्या करूँ, कोई चीज़ का टाइम फिक्स नहीं है। कुछ कुछ बातें होती हैं ऐसी ना कि बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देती हैं, बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ देती हैं। और मेरे तो हस्बैंड इतना डांटते हैं कि टेंशन किस बात की है, टेंशन किस बात की, तुम टेंशन मत लो मत लो। लेकिन हम क्या करें, कितना सोचें कि ना सोचें वो बात भी घुमा फिरा के फिर दिमाग में चलने लगती है अपने आप। बस जो जैसा चल रहा है भगवान ऐसे चलाए रहें, सबको खुश रखें। हम तो कहते हैं बच्चे हमारे खुश रहें, हस्बैंड खुश रहें, बस उसी में सबकी खुशी है। और क्या बताऊँ, बहुत सारी बातें हैं ऐसी कि सोशल मीडिया पे हम ला ही नहीं सकते, किसी को बता ही नहीं सकते, दिखा ही नहीं सकते। इसीलिए सब कुछ भूल के अंदर ही अंदर सामने अच्छे से बोलना पड़ता है, मुस्कुराना पड़ता है। और जिस दिन मन नहीं अच्छा रहता है, मूड ख़राब रहता है, उस दिन हम फ़ोन उठाते भी नहीं हैं, कुछ वीडियो बनाते भी नहीं हैं, बहुत ज़्यादा मतलब परेशान हो जाते हैं। तो क्या कहें, अब हम कुछ नहीं कहेंगे। अगर हमारे जानने वाले जो होंगे वीडियो देख रहे होंगे तो समझ ही जाएंगे कि हम क्या कहना चाहते हैं, किसने किसने मेरे साथ क्या क्या किया है, सबको पता चल ही जाता होगा। आज जो हम खुश हैं और सोशल मीडिया के द्वारा सबको हमारी खुशी दिख रही है, वो सबको लगता है कि हाँ सब कुछ सही है, सच है, इनको क्या टेंशन है, इनके तो घर है, इनका पति है, इनके बच्चे हैं, इनको क्या टेंशन है, नौकरी है। लेकिन हाँ ठीक है मत जाना, लेकिन घर की बातें ना तो हम लोग ही समझते हैं ना कि क्या है कैसे हैं, कैसे हम लोग मैनेज कर रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं, कोई नहीं समझता। इसीलिए हम जल्दी किसी को समझाना भी नहीं चाहते, सोचते हैं कि चलो ठीक है, जो सोच रहा है जैसा सोच रहा है सोचने दो, अच्छा या बुरा जो भी सोचना है सोचने दो। हम तो वैसे ही सोच सोच के दिमाग ख़राब कर लिए हैं, अब किसी को मेरे बारे में बुरा सोच के अच्छा महसूस हो रहा है। और इसी वो कारण है कि मैं ना किसी के पास जल्दी फ़ोन करती हूँ, ना मैसेज करती हूँ, और ना किसी से बात करती हूँ। क्योंकि जब इंसान अंदर से खुश रहता है ना तो फिर वो अच्छे से बात करेगा, अच्छे से सब कुछ कहेगा अपना। जब अंदर से ही इंसान दुखी है और समझ नहीं आ रहा उसका कि क्या बोले, तो क्या बोले। अब उसी लोग को सब लोग घमंडपन समझ लेते हैं आजकल, ये बात है कि अगर वो नहीं बोल रहा है, किसी से नहीं बात कर रहा तो सब उसको घमंडी बोल लेते हैं, अरे तो घमंडी हो गई हैं। और वैसे भी आज के ज़माने में अपना देखो, अपने में रहो, वही मेरे लिए सही दिखता है। बाकी अब दुनिया वैसी नहीं रह गई है जैसे पहले थी कि सब लोग एक साथ मिल के रहते थे, अब सब एक तरह से सब अकेले हो गए, चाहे गांव हो चाहे शहर हो, अंदर अंदर से सब अकेले हो गए हैं। और रही बात तो मेरे पुराने बीते हुए कल की, तो बहुत लंबी कहानी है, चाहे हम घंटा भर भी सुनाएं आप लोगों को तो आप नहीं समझ पाएंगे, और जो समझेंगे भी वो भी पीठ पीछे मजाक ही बनाएंगे। तो इसीलिए हम ज़्यादा बता के मजाक नहीं उड़वाना चाहते अपना। अब जा रहे हैं हम भी पूजा करने, शाम हो गई है, थोड़ा दिया बाती कर लें, उसके बाद फिर खाना पीना का इंतज़ाम करेंगे। किसी को कुछ पूछना है तो फिर बताना, फिर हम बताएंगे क्या है कैसे है, बाकी क्या बताएं, समझ नहीं आता। ठीक है, वीडियो बड़ी हो रही है, क्या करेंगे बिन फालतू वीडियो बड़ा करके। मिलेंगे आपको फिर किसी दिन। अब मेरी बात अगर किसी को बुरी लगी हो तो फिर उसके लिए सॉरी, अच्छी लगी हो तो थैंक यू, और न समझ में आए हो तो कोई बात नहीं। बाय।